हेलो एवरीवन, तो आज हमारी हो रही है दावत और ये सब चीज़ें लाई गई हैं माशाल्लाह से। ये देखिए, अभी मेरी छोटी वाली मैडम बताएंगी इन सब चीज़ों के नाम आपको, क्योंकि चाइनीज़ में मुझे दिलचस्पी है। शेजवान फ्राइड राइस है, ये ग्रेवीज है, ये चिकन लॉलीपॉप है। और बस ये हो गया। इसके अंदर क्या है? ये उसके अंदर ये राइस ही है, लेके चलना है अंदर ही भी। हाँ। इसमें भी राइस है, तो आ जाइए जल्दी जल्दी। हालांकि भूख बिल्कुल नहीं माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी दो नहीं वाला मेहमान आए, उनके साथ बैठ के खाना है, तो आ जाइए अभी मैं यूट्यूब फैमिली हमारे साथ ये सब खाने के लिए। और फिर मुझे दुख है कि मैं सिर्फ बोल पाती हूँ, खिला नहीं पाती हूँ, बहुत दुख होता है मुझे। तो इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 12:30, और खाना जो आज हमको खाने की छुट्टी है, क्योंकि खाना हमारे पास है कल माशाल्लाह से, इतना खाना आ गया था। रात में मेहमान आए थे तो खाना भी खाना मंगवाया गया था, वो बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि हमने कल जो खाना था खाना खा लिया रात में, फिर उनके साथ में बैठ के थोड़े नहीं वाले दो नहीं वाले खाने पड़े सभी को, तो पेट तो माशाल्लाह पहले से भरा हुआ था, तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत उनका साथ देने के लिए बैठ के खाया गया, और जो बाकी बचा उसको फ्रिज में रख दिया गया। तो जैसे कि आज दोपहर का हमारा हो गया, क्योंकि मैं खाना अक्सर वेस्ट नहीं करती, पहले कभी हो जाया करता तो हो जाया करता था, अब तो बिल्कुल नहीं होता। फ्रिज में पहले जब हमारे पास भी फ्रिज नहीं था तब हमारा खाना अक्सर करके वेस्ट हो जाता था। गर्मी के दिनों में चावल जो है एकदम पपस जाते हैं, एकदम नरम हो जाते हैं, तो वो पहले होता था। अब तो काफ़ी टाइम से मैं खाने को स्टोर कर लेती हूँ, रात में सारा कुछ खाली करके अंदर रखती हूँ, तो नेक्स्ट डे वो हम खा लेते हैं। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, वैसे गुनाह पड़ती है। तो आज दोपहर में तो छुट्टी हमारी छुट्टी है, तो हम सुबह सवेरे से नाश्ता करके पड़े हुए हैं, क्योंकि जो छोटी वाली मैडम है वो सो रही है। जैसे शोरगुल होगा, क्योंकि रात में देर रात तक काम करती रहती है, तो शोरगुल जैसे सवेरे होगा तो उसकी नींद खुल जाएगी, तो नींद नहीं मिलती तो बहुत से मसले होते हैं, सर में दर्द, ये वो, पता नहीं क्या क्या। तो हम खामोशी से अच्छे बच्चे बनके सवेरे से बैठ के फ़ोन चला लेते हैं नाश्ता वगैरह करके, तो अब वो हो जाएगा खाने का टाइम। जैसे आम लोगों का खाने का टाइम हो जाता है 1-2 बजे तक का, हमारा 4 बजे तक होता है, खाना बनाते हैं तो वहीं चले जाता है टाइम आस्ते आस्ते। लेकिन इस बार हम अमीर हैं, हमारे पास खाना है रखा हुआ, चाइनीज़ रखा हुआ है हमारे पास पे अच्छा से, तो शायद से 2-2.5 बजे हम खा लें, क्योंकि वो भी उठेगी तो उसका नाश्ता होगा अभी 12:30-1 बजे, और फिर इंशाल्लाह वो तो कहाँ खाने वाली, फिर वो काम में लग जाएगी, और हम जो है मैं और मेरी बड़ी वाली, हमको भूख लगेगी तो हम अपना खाना खा लेंगे। तो शायद से आज हमारा खाना जल्दी होने वाला है, यानी कि जल्दी में भी 2-2:30 बजे या 1:30 बजे भी हो सकता है। वीडियो नया बना रही है यूट्यूब के लिए, क्योंकि मेकअप का उसने पूरा कोर्स किया हुआ है अच्छे से अच्छे मेकअप का, तो वो भी यूट्यूबर है और यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करती है, और काफ़ी साल से। कितने साल हो गए रे? वैसे अगर देखा जाए तो मैं तो 2016 से सब चीज़ बना रही हूँ, डब स्मैश के टाइम से। हाँ। लेकिन अब नहीं आता था ना कभी किसी चीज़ पे, मतलब ये कि फिर पढ़ाई में कभी लग जाती तो वो छोड़ देती। हाँ। थी फिर पढ़ाई करती थी, तो ये पढ़ाई और ये यूट्यूब तो उसमें सब। हाँ, तो फिर मैंने बीच में छोड़ दी थी इसने, और काफ़ी ज़्यादा इसके व्यू लाइक वगैरह आ गए थे उस पर। कौन सी वो सीरियल फेमस था उसका? सुनो चंदा नहीं, वो वाला नहीं, वो कुछ सुरभी जोशी को मशहूर था उसके डायलॉग बहुत ज़्यादा, अलिंका अलिंका नाम से वो सीरियल। हाँ, तो उस पर काफ़ी बाद में इसने बंद करने में पढ़ाई में लग गई, फिर जब एक बार यूट्यूब चैनल खोल के देखा अपना तो उस पर बहुत सारे व्यू लाइक। 2016 में जब यूट्यूब पर किसी को इतना पता, मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन उसके बाद से जब से बीबी के महेंद्र भुवन बाम ये लोग जब से फेमस होने लगे, तब से फिर उसके बाद मुझे तो उसके बाद ही यूट्यूब फिश हो गया। तो इसका तो इसलिए रह गया, अब कभी पढ़ाई कभी वो अब, और अब काम जॉब भी है साथ में, पढ़ाई खत्म हुई तो जॉब लग गया। अगर हमको भी सिर्फ यूट्यूब ही होता ना, तो मैं तो अभी तक डायमंड बटन ले चुकी होती। हाँ, इंशाल्लाह चलो मिल जाएगा, कोई बात नहीं ना, अभी फिर से नई शुरुआत की, क्योंकि इंसान पढ़ेगा या काम करेगा या तो ये करेगा, तो अभी चलो। एक तो भी बना लेना कम से कम। हाँ, एक ही बनाऊँ, एकदम सिंपल आज का मेकअप करूँगी, ज़्यादा मन नहीं करेगा।
फिर काम के लिए बैठना है ना। हाँ चलो कोई नहीं, एक ही बना लें, एक एक अपलोड कर दें, जब ज़्यादा टाइम रहेगा तो छुट्टी में फिर ज़्यादा बना लेना। ये है उसका, ये क्या है, नाखून का है, ये है ना नाखून का ये। तो ये नाखून जो लगाया उसने वो, इधर मेकअप का सामान, ये है ब्रश, तो हो गया उसका रील का शूट वगैरह हो गया, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती थी वो भी शूट हो गया उसका, तो अभी कोई काम नहीं उसका, ये काम था, अब वो लगी अपने काम से, तो ये रही वो आ गई, अब वो करेगी अपना काम, तो बहुत बिजी है वो माशाल्लाह, बहुत बिजी। तो ये हो गया मेरा किचन साफ, क्योंकि मुझे साफ ही रखना अच्छा लगता है बहुत, तो ये किचन हो गया साफ, और ये बन रहा है अभी हमारा खाना। तो साफ, तो साफ सुथरे किचन पे साफ सुथरा खाना एक ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसमें बन रहा है हमारा सालन। तो और आज चावल नहीं बनेगा, आज रोटी मंगा लेंगे सोच रहे हैं, तो वह हमने बाहर से मंगानी है, और सिर्फ जो रस्से वाला सालन होता है चिकन का वो अभी चढ़ाया हुआ है, तो वो बना ले रही हूँ मैं सिर्फ। और बहुत मुझे ज़्यादा खुशी हो जाती है जब मैं किचन को साफ़ करती हूँ, तो हर रोज़ साफ़ करती हूँ, पर हर रोज़ कपड़ा मैं इस पर फिराती हूँ सर्फ से भरा हुआ, मतलब सर्फ में भिगो के, और आज मैंने इसको घस घस के धोया, यानी दो तीन दिन में कपड़े सर्फ वाला कपड़ा डुबो के मुझे भिगोना पड़ता है, इस पर पूरा सारा फेरा मारना पड़ता है पूरा पोछा, और उसके बाद एक दिन नहीं रहा जाता फिर मैं इसको घस घस के धोती हूँ बिल्कुल। तो देख लीजिए अभी बन रहा है मेरा खाना, तो आज रोटी खाने का प्लान है, तो आज रोटी खाएँगे इंशाल्लाह। तो अभी देखते हैं आगे कैसा क्या। आज हमने किया, तो आज हमने सफाई डे मतलब घर में करके रखा है, तो सारा कुछ साफ सुथरा किया है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पूरा, और उसके बाद में जो है इधर तैयार है पोछा, लेकिन आज दोपहर से ही काम शुरू कर दिया है, अभी खाना है खाना क्योंकि भूख लग रही है, तो अभी लादी वगैरह पोछनी बाकी है और बर्तन मांजने बाकी है। ये रहा जो लादी पोछने वाला है, हमारा मॉब यहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी पहले खाना खाएंगे सोच रहे, उसके बाद में झाड़ू वगैरह लग चुकी है, और ये अभी सिर्फ ज़मीन पोछनी बाकी है, फिर बर्तन खाना वगैरह खा के और बर्तन निकलेंगे, फिर उसे धोना है, तो वही नॉर्मल रोज का काम, ज़्यादा नहीं। सारा काम हमारा हो चुका है, अभी तो वैसे कोई काम नहीं बाकी है, हाँ सिर्फ छोटी वाले ने दो पैकेट दूध निकाल के रखा है कॉफ़ी बनाने के लिए, मतलब हमारे लिए, हम सबके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल एक कभी चढ़ाएगी कॉफ़ी, क्या बोल रही है। तो अभी मतलब बर्फ में रखा हुआ था जो पैकेट है दूध का, तो उसने निकाल के बाहर रखा है ओटे पे, मतलब किचन पे, तो अभी जब वो पिघल जाएगा, जब वो पिघल के इक्वल हो जाएगा मतलब, तो फिर वो कॉफ़ी चढ़ाएगी, तो वो तब तक नहाने को चली गई है, और मैं नहीं चढ़ाऊँगी कॉफ़ी, मैंने सोचा है दीदी के बालों के हेल्थ कैसी, यहाँ मैंने हेयरबिन लगाया क्योंकि ये सब कर्ल होकर खड़े हो जाते हैं, और ये देखो इतने यहाँ से लगाते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, मेरे बक्कल में से भी बाल निकल जाते हैं, तो ये मैं अभी मैंने ऐसे किया था छुपाने के लिए, फिर ये निकल गया। तो अभी कुछ नहीं, आज दोपहर का खाना तो हो गया, और अभी हमने सोचा है ऐसे कि हम नीचे मतलब मार्केट कहीं नहीं जा रहे हैं, तो अभी कॉफ़ी छोटे के लिए कॉफ़ी तैयार करी, क्योंकि मैंने उसको साफ बोल दिया मैं तो आज नहीं बनाऊँगी, उसको ही बनानी पड़ेगी कॉफ़ी। तो हमने कुछ बाहर से थोड़ा सा ऑर्डर किया है, जैसे पास्ता वगैरह, तो पास्ता जब आएगा तो आज हम कॉफ़ी भी पास्ता मतलब पास्ता खाएंगे और कॉफ़ी पियेंगे, तो ऐसा कुछ अलग अलग सा कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है। तो बस अभी थोड़ी देर में, और मैंने सोचा मैं क्या करूँगी, तो मैंने सोचा लाओ मैं बैठ के ज़रा सा अपने मैंने ये सोचा कि मैं अपने और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लूँ। ये हमारे घर की मोस्ट बिजी बच्ची है, तो मैडम आप क्या कर रहे हो, किससे
अच्छा, ये सारा दिन फ्रेंड से बात करती है और अभी इस वक्त जो है इसको भूख लगी है, इसको दोपहर में खाना पसंद नहीं आया तो इसको भूख लगी है, तो सारा कुछ आपको जो मंगाना पड़ा बाहर से, आप पैसे लेके बैठे इंतज़ार करिए कि बाहर से जो हमने मंगाया है पास्ता, तो इसको पास्ता खाना था जिसको घर का खाना पसंद नहीं आया, तो मैडम जी पास्ता खाएंगे। तो ये आ गया है हमारा सामान, हम बहुत भूखे बैठे थे, तो मैं पहले ही शुरुआत में आपको बुला लूँगी, माय यूट्यूब फैमिली हमारे साथ आ जाइए, ये जो चीज़ें हमने मंगाई वो खाने के लिए। तो फिलहाल हम सब ने जो खाना था वो मंगा के खा लिया है, यानी माशाल्लाह से पेट फुल हो चुका है, और अब मैं जो मेरा फेवरेट काम है, क्योंकि पहले बोला था छोटी वाली को कॉफ़ी बनाने, अब मैंने कैंसिल किया, मैंने बोला तू रहने दे क्योंकि वो बनाएगी तो शायद दूध उबाल के गिरा देगी, तो मैंने उसको बोला, वैसे उसको नहीं रही है, सुनेंगी तो फिर चलाएगी भी, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी, कैंसिल किया, मैंने बोला तू मत बना, कभी जो सॉन्ग सुनने में लग गई तो मेरा डबल काम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये बर्फ में थी तो मैंने इसको निकाल के रखा था, तो ये निकाल लिया मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए, और चलिए फिर लग जाती हूँ। अब ये है कि मुझे बचाना पड़ेगा बातें करते करते कि जब कॉफ़ी में चढ़ाओ तो दूध उबल के गिरे ना, ठीक है। क्या होता है कि जब हम किचन साफ़ करते हैं, मतलब जब भी रोज़ साफ़ करते हैं तो संभालना पड़ता है, फिर एक टाइम ऐसा था है जब हम ऐसे से ऐसे अगर देखें उठते टाइम में सारा कुछ ख़राब हो चुका होता है, तो जब हम एकदम उसे चमका दें तो थोड़ी देर तो उसकी हिफाजत करना फ़र्ज बनता है हमारा, तो मैं भी वही कर रही हूँ। वैसे तो हरदम साफ होता है, लेकिन फिर वही चावल निकालने के टाइम थोड़ा चावल गिर जाएगा, फिर कुछ दाल गिर जाएगी, फिर उसको साफ करो, उसको साफ करो, तो ऐसे गीला कपड़ा तैयार रखना पड़ता है साबुन में लगा के, जैसे ही हुआ वैसे ही, मतलब मेरा सारा टाइम तो इसी में जाता है, ये और बातें मैं दिखाती कभी कभी हूँ, मतलब सारा मतलब टाइम मेरा इसी में चले जाता है, तो वैसे मैं रोज़ नहीं दिखाती, वरना आप भी बोलेंगे कि ये क्या काम वाली वाली हरकत है कि रोज़ाना ये चालू है, तो इस करके एक मौका लगता हूँ दिखाने का। तो फिलहाल के लिए मैं कॉफ़ी चढ़ा दूँ, पूरा पैकेट बना लो, खाती मजे आए है मजे, देखा थोड़ा रखी है रात में खाएगी, कितनी चला थोड़ा, और मेरे ज्यादा है, हाँ थोड़ा मेरा ज्यादा है, वरना हेरा फेरी हो जाएगी, मैं बता दूँ वरना हेरा फेरी हो जाएगी, दोनों बहने चला गए, दोनों चला के ना खुद का खा के फिर मम्मी के मतलब उस पर डाका मारेंगे पास्ते पे, ये अपना खा के मेरे पास्ते पे डाका नहीं मारना, तो ये उसके मतलब सारे ही बना लो, क्योंकि बैठ के जब काम करती है लैपटॉप पे तो उसको लगता ही है, मतलब रात में भी वो जगती ज़्यादा देर काम करने के लिए, तो इसको गर्मा के पी लेती, तो मैंने ले लिया पूरा एक पैकेट, और फिलहाल मैं रखूँगी इस पर और यहीं खड़ी रहूँगी, बहुत पैरा देते हुए मुझे खड़े रहना है। और आज क्या मुझे बता रही है, पहले कॉल आ गई, मैंने चालू किया जैसे ब्लॉग बनाने को, तो पहले कॉल आ गई, फिर अपने आप ये बंद हो गया मेरा कैमरा, और अब फिर से देखिए तो ये हमारी नन्ही वाली कॉफ़ी है, नन्ही मनी, तो ये अभी इतनी बची है, इतनी ख़त्म कर दी, मतलब वो छूट खाते कॉफ़ी डालती है और वो अलग कॉफ़ी बन जाएगी, उसमें अलग से एक चम्मच कॉफ़ी मिलाकर उसको कड़वी करके फिर पीती है, पता नहीं मुझे नहीं चलती कैसे होती है, तो अभी भी सुना नहीं है, अभी सुनेगी फिर मम्मी क्या बोल रहे हो, अभी उसके कान में आवाज़ आएगी, उसके कान में आवाज़ आएगी, मैं उसकी बात करके उसे निकल आई क्या, पर अभी घर करके तो हम इतनी हिसाब से बनाते हैं, जब भी हमारी कॉफ़ी जो है बहुत जल्दी जल्दी समाप्त हो जाती है,
तो देख लीजिए अभी, ये कॉफ़ी बहुत मज़ेदार होती है। फिर आपको भी मंगाना हो, आपको भी बनाना हो तो ये ज़रूर मंगाइए और बनाइए। कहते पीते ही होंगे आप भी सर, ये गर्मी गर्मी बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं इसको अपनी छोटी वाली जो इसका ढक्कन बराबर नहीं बंद करती और इसको जमा के वो सूख के बॉर्नविटा हो जाती है, जैसे एक टॉफ़ी होती है वो हो जाती है, तो इसको मैंने मतलब मतलब कस के इसको बनती है, वरना ये जम जाती है जैसे। और कई बार थोड़ी थोड़ी इतनी थी पाव पाव मतलब बोतल बचने पर वो जम चुकी है, तो अभी मैं बराबर चेक करती हूँ कि बराबर बंद है या नहीं। चलो ये तो हो चुका मेरा काम, अब मैंने इसको फास्ट कर दिया है। अब मैं सोच रही हूँ किसके पास ही करूँगी। तो सारे खाने वाने हो गए समझो, जो हमने पास्ता वगैरह खाया पिज्ज़ा वगैरह खाया वो हमारा रात के खाने में शुमार हो गया, गिनती हो गई रात के खाने में, तो वो हमारी रात का खाना हो गया हमारा। अभी हमको कुछ नहीं खाना, अभी बन गई कॉफ़ी, तो अभी मैं कॉफ़ी निकालूँगी बस, हम कॉफ़ी पी ली, हमारा रात का खाना पूरा हो चुका है। जी निकल गई कॉफ़ी, हालांकि मैं ऐसे मुझे निकालते हुए अच्छा तो नहीं लगता, इसलिए मैं सिर्फ आपको आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम में मैं इसको बुलाती हूँ। और क्या हो छन्नी गिरा है, छन्नी के बगैर भी हो गई हूँ, छन्नी नहीं है पार्टिकल्स, वो छान लेना इसको। एक छन्नी की बड़ी मुसीबत है, अच्छे भी छोटी में लाई जाती तो खा जाना चाहिए ना, तो इसमें तो ये जो कॉफ़ी मैंने निकाली एक इसकी मेरी वो वाली तो नहीं पी थी बड़ी वाली, तो आ जाइए मैं यूट्यूब फैमिली हमारे साथ कॉफ़ी पीने। और बहुत दुख की बात है कि मुझसे बताती हूँ मैं दे नहीं सकती, और मैं सोच रही हूँ कि आपसे नहीं करूँगी ऐसा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये वाला पार्ट मैं गायब कर दूँगी। तो बोल क्यों रहे हो, ये वाला पार्ट मैं गायब कर दूँगी? नहीं मैं बोल रही हूँ मैं यूट्यूब फैमिली से कि आपसे ये नहीं बताया करूँगी, क्योंकि मैं खिला नहीं सकती तो बताऊँ क्यों। और ऐसे होता ना कि जैसे तो मैं भी सब में शामिल नहीं होना चाहती, मैं बाकी का सब बताऊँगी बस ये नहीं बताऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम बताते हैं सारा कुछ, लेकिन हम यूट्यूब फैमिली को दे नहीं सकते तो वो नहीं अच्छा लगता मुझे ज़्यादा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।